केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे वो है एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दूं, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो भी वीकली एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। तो नॉर्मल रेन वाटर को अगर हम देखें तो उसके अंदर होता है, जब ये वाटर में एब्जॉर्ब होती है हवा से CO2, तो इट फॉर्म्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज अ वेरी वीक एसिड। तो जो नॉर्मल रेन वाटर है वो भी वीकली एसिडिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। और नॉर्मल रेन वाटर की जो pH है वो होती है 5 to 6। विवर्स, जो एसिड रेन का फिनोमिना है वो क्या है, बेसिकली वो है कि हवा में मौजूद जो हार्मफुल ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के अंदर और फिर बनाते हैं एसिड रेन। तो किस तरह से बनते हैं, हम ये डायग्रामेटिकली आपके सामने शो किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ एसिड रेन फॉर्म किस तरह से होती है। इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जो अपना स्मोक हवा में निकालते हैं, रिलीज करते हैं, इसके अंदर ज्यादातर होते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, साथ में कार्बन ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, ये सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये एनवायरमेंट में ऊपर जाते हैं एटमोस्फेयर में, तो ये एटमोस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हो सकते हैं कार्बन ऑक्साइड्स। ये रिएक्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव एसिड्स बना देते हैं विच आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो ये बनाते हैं या तो सल्फ्यूरस एसिड या फिर बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और कार्बन के ऑक्साइड, जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड्स। ये एसिड्स व्यूअर्स जो बनते हैं ये अब एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेंगे और जैसे ही रेन होगी, बारिश होगी, तो ये उसके साथ जमीन पे आएंगे, नीचे हम पे आके गिरेंगे और डिफरेंट मल्टीपल इफेक्ट्स बनाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे इनके इफेक्ट्स पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये इससे बनने वाली जो एसिड रेन है इसकी pH तकरीबन 4 या 4 से कम होती है। और अब व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एसिड रेन किस तरह से हमें इफेक्ट करती है जब ये नीचे जमीन पर आती है। तो डायग्राम में आपके सामने शो किया हुआ है, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। एसिड रेन जब लैंड पे आके गिरती है तो उस लैंड की एसिडिटी बढ़ा देती है। लैंड की एसिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उस जमीन के ऊपर फिर वेजिटेशन ग्रो नहीं करती और वो जमीन जो है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा एसिड रेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आके जब गिरती है, तो अगर आप कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता रहे एसिड रेन पे, तो अल्टीमेटली स्किन कैंसर होता है और साथ में स्किन इन्फ्लेमेशन भी होती है। स्किन इन्फ्लेमेशन और स्किन कैंसर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा व्यूअर्स, ये इसका दूसरा इफेक्ट था। इसके अलावा अगर बिल्डिंग्स पे देखें, तो बिल्डिंग्स पे जब एसिड रेन आके गिरती है तो उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देती है, जिससे बिल्डिंग्स में क्रेविसेस और दरारें पड़ जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि बिल्डिंग फॉल हो जाती है, उसकी इरोजन हो जाती है और वो गिर जाती है। तो बिल्डिंग्स में ऐसा क्या है, हमें पता है कि बिल्डिंग्स मोस्टली इनमें सीमेंट होता है और उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब एसिड रेन, लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड वाली एसिड रेन आके इसके ऊपर गिरेगी, तो क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देती है और बनाती है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो बिल्डिंग में छोटे छोटे क्रेविसेस या दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी और ये बढ़ते बढ़ते अगर कंटिन्यूअसली एक्सपोजर होता रहेगा तो ये बिल्डिंग जो है ये फॉल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, प्लांट्स, फोर्थ इफेक्ट जो एसिड रेन का है वो है वेजिटेशन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। जो व्यूअर्स मेच्योर प्लांट्स हैं उनको डैमेज होता है और उनकी ब्रीडिंग हो जाती है, और जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनमें मौजूद क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाती है और स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स, एक्वेटिक लाइफ पे इसका इफेक्ट एसिड रेन का क्या होता है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है कि जब एसिड रेन वाटर में आएगी तो वाटर की एसिडिटी इंक्रीज करेगी। सेकेंडली जो इफेक्ट है वो ये, एक लीचिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या है कि एसिड रेन जब जमीन पे आके गिरती है तो अर्थ में मौजूद हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है,
लाइक उसमें जिंक है, एल्यूमिनियम है और क्रोमियम है, इन मेटल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेती है। ये मेटल्स फ्रेश वाटर सोर्सेज में जब शामिल होती हैं तो ये जाके फिर एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लॉगिंग की। उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश है उनके गिल्स में जाके ब्लॉक हो जाती है, उनको ब्लॉक कर देती है और इससे उनको सफोकेशन और अल्टीमेटली वो डाई हो जाती है। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हमने देखा एसिड रेन क्या है, कैसे बनती है और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स जो हम लोगों पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या हमारे एनवायरनमेंट पे होते हैं उसके बारे में हमने देखा। अगर आपको फिर भी कोई चीज ना समझ आई हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नई एक्टिविटीज और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।